सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन यानी घंटी को और पाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ जागरण में। मेरा नाम है शालिनी और अभी आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन ज्ञान। दोस्तों, अचार बनाना खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। अचार रेफ्रिजरेशन के आविष्कार से पहले भविष्य के लिए विभिन्न खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने का एकमात्र तरीका था। भारत में अचार बनाने की प्रक्रिया लगभग 4000 से 5000 साल पहले शुरू हुई थी। भारत में अचार बनाने के लिए कच्चे फल जैसे आम, कच्ची इमली, नींबू आदि का परंपरागत रूप से उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं अचार के मुख्य फायदों के बारे में। नंबर एक, एंटीऑक्सीडेंट के लिए। अचार एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि अचार बनाने के लिए कच्चे फलों और सब्जियों का उपयोग किया जाता है। इन कच्चे फलों और सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षित रहते हैं। नंबर दो, अनुकूल बैक्टीरिया बढ़ाए। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया वे अनुकूल बैक्टीरिया हैं जो हमारे पाचन तंत्र में मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया वास्तव में भोजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं। कभी कभी एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के कारण ये बैक्टीरिया मर जाते हैं। इनकी संख्या कम होने से हमारे पाचन में समस्या होने लगती है। सिरका रहित अचार के सेवन से इन अनुकूल जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। नंबर तीन, विटामिन। ताज़ा अचार में न केवल अच्छा स्वाद होता है, बल्कि यह विटामिन सी, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन के और खनिजों जैसे आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम भी प्रदान करता है। ये विटामिन और खनिज हमें रोगों से बचाने, हड्डियों को मजबूत बनाने और एनीमिया का इलाज करने में हमारी मदद करते हैं। नंबर चार, पाचन बढ़ाए। आयुर्वेद के अनुसार आंवला कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। इसका अचार हर भारतीय घर में बड़े प्यार से बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि आंवला अचार पाचन में भी सुधार करता है। नंबर पाँच, डायबिटीज में। अध्ययनों से पता चला है कि सिरका युक्त अचार का सेवन डायबिटीज रोगियों में हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार करता है, जो डायबिटीज को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। नंबर छह, लीवर के लिए। आंवला में बेहतर पाचन लाभ के अलावा हेप्टोप्रोटेक्टिव गुण भी होते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जब प्रयोगशाला में आंवला के अर्क का उपयोग लीवर की क्षति के उपचार के लिए जानवरों पर किया गया, तो उससे क्षति काफी कम हो गई। नंबर सात, अल्सर में। अल्सर आंतरिक घाव होते हैं जो झिल्ली की विफलता और उत्तकों पर एसिड के प्रभाव के कारण होते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर विशेष रूप से म्यूकस मेम्ब्रेन और हाइपर एसिडिटी के कारण होता है। नियमित रूप से आंवला के अचार का सेवन करने से अल्सर को कम करने में भी मदद मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल हेल्थ जागरण को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।